है, इसमें बस और बस चाहे जीओसी हो या बाकी ऑर्गेनिक के भी चैप्टर, आपकी बस एक ही गलती है। और ये देखो हम इतनी बार बोलते हैं ठीक है कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन मैटर करता है, बाकी चीजें बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ रोज रिवाइज करते रहिए, फिर भी ये बोलने के बावजूद भी बच्चे नहीं करते। कभी किसी को तो बहुत आसान लगता है, यार इतना आसान है क्या करने की जरूरत। ओके सो मैं ऐसा करता, इनको इन दोनों को उधर लेके वापस सॉल्व। चलिए फर्स्ट फर्स्ट वाला बहुत इजी है, सबने बना रखा है। मैं इसको ब्लू वाले से करता, यहां से कार्बो कैटायन इधर शिफ्ट होगा। रीजन रेजोनेंस, रीजन क्या है? रेजोनेंस है। ओके ये वाला, ये देखिए 1 डिग्री है। अब ये 1 डिग्री से सबसे पहले ये यहां शिफ्ट होगा, क्लियरिटी है? अच्छा जैसे ही ये शिफ्ट हुआ क्या ये फर्दर जा सकता है? फर्दर और जा सकता है। सो ये यहां से इधर शिफ्ट हो, ठीक है सबका यही आया। अब आगे 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री अल्फा एच काउंट कर लीजिए। इसमें अल्फा एच कितने थे? इसमें अल्फा एच 3 प्लस 1 4 है। इसमें अल्फा एच कितने हैं? 2 प्लस 2 प्लस 2 6। ये पार्ट क्लियर हो गया सबको? सबका मैच किया? फर्स्ट और सेकेंड सबके मैच किए क्या? 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। वेरी गुड, आप नेक्स्ट देखिए, ये मलार ये शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? मलार ये बता बेटा, ये शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा किस तरफ? रिंग में जाएगा? कैसे? देखो सर, यहाँ 1 डिग्री था, पे ये थ्री डिग्री अंदर होगा। जाएगा। अब जैसे ही ये अंदर गया, देखिए फायदा क्या हो गया, ये पहले से ये पॉजिटिव, सॉरी एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव आया। ये साइक्लिक पार्ट है, साइक्लिक पार्ट में पहले क्या था? पहले कंजुगेशन नहीं था, अब अंदर आते से ये एरोमेटिक बन गया। एरोमेटिक बन गया, हाईली स्टेबल हो गया। कार्बो कैटायन किधर जाएगा? कार्बो कैटायन रीअरेंजमेंट क्यों करता? क्यों करता रीअरेंजमेंट? ताकि स्टेबिलिटी हो सके। आई होप ये पार्ट क्लियर है। यहां पे क्या, यहां पे नटराज है, डांसिंग रेजोनेंस है क्या? क्या ये वाला पार्ट ये नटराज है क्या? इज दिस पार्ट डांसिंग रेजोनेंस? नहीं, ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। डांसिंग रेजोनेंस ये चीज नहीं है। डांसिंग रेजोनेंस कब होता है? इस केस में डांसिंग रेजोनेंस होता है। देखो बिना डबल बॉन्ड वाला डांसिंग रेजोनेंस, ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, ये है डांसिंग रेजोनेंस। उसका तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल रहता है, ये एरोमेटिक बनता है। अच्छा इसको देखते हैं जरा, इसका ऐसा है CH3 CH3 1 डिग्री है तो 2 डिग्री हुआ, 2 डिग्री के बाद में 3 डिग्री हो जाएगा, 1 फिर यहां पे जाएगा। अच्छा फिर यहां जाने के बाद में अंदर भी जाएगा क्या इसके पूरा? क्या इसके अंदर भी जाएगा फर्दर? यस सर।
क्यों बेटा? सर 3 डिग्री एंड देन रेजोनेंस। अभी ये अंदर गया, पहले तो ये यहाँ पे 2 पे आया। ये आपको सारे डायग्राम बनाने हैं, फिर अभी देखो 3 डिग्री भी हुआ, ठीक है, बट मेन क्या है, 3 डिग्री से अल्फा एच अगर काउंट करेंगे तो इस वाले केस में रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, यहाँ क्या है, रेजोनेंस। ये फिजिबल है कि नहीं? देखो ध्यान से सुनना, ये 1 डिग्री था, यहां पे ये 2 डिग्री हुआ, यहां पे 3 डिग्री हुआ। अब 3 डिग्री में अल्फा एच थे इसके कुछ, अच्छा 3 डिग्री से अगर ये फर्दर इधर जाता है, फर्दर इधर जाता है और जाने के बाद में उसको तुरंत रेजोनेंस मिलेगा, तो ये फिजिबल है कि नहीं? फिजिबल है। क्यों? क्योंकि अल्फा एच से हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेजोनेंस। यहां पे अल्फा एच अलग होंगे, यहां पे अल्फा एच अलग होंगे, बट जैसे ही ये यहां पे गया, यहां रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, यहां 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था। ये प्रैक्टिस करना था सभी बच्चों को। अरे सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गया मेरे से, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्लीज प्लीज करेक्ट कर लो। ये इस वाले में थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरे से, ऐसा कुछ था, ये आपको दिया हुआ था। इसका बताओ, ये ऐसा था, ठीक है, एक्चुअल में ये ऐसा फॉर्म दिया हुआ है, वो वाला भी चल जाता है, उस वाले में भी चल जाता। सॉरी सॉरी सॉरी, अगेन सॉरी, क्या मैं भी क्या करता क्या, ये शिफ्टिंग होगी क्या, ये शिफ्टिंग होगी इस वाले केस में? एक डबल मोन की डंडी है यार। प्रियांशु क्यों जाएगा इधर? हाँ, सर एरोमेटिक बनने के लिए यहां पे क्या है, ये रिंग एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक है। पहले वाले केस में भी एंटी एरोमेटिक थी, तो ये अनस्टेबल था और ये इस तरफ चला गया। से बेनिफिट क्या हुआ? पॉजिटिव, दिस इज एरो। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। हाँ, कौन सा नंबर का है ये नंबर वाला है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करा दी थी यार। अरे रिपीट, अच्छा ये रिपीट ही हो गए ना सारे, 8, 9, 10। अरे 8, 9, 10 कुछ रिपीटेड जैसे ही है, मैंने 2 बार करा दिया। इस वाले केस में भी जाएगा, इस वाले केस में अगर ये डबल बॉन्ड ना भी हो ना यहाँ, तो भी शिफ्ट होगा। अगर ऐसा भी सीन दिया हुआ है ना, अभी भी शिफ्ट होगा। क्यों? एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो रहा। यहाँ पे क्लैश हो जाएगा बस। आप है ना, इसको इसको करेक्ट कर लीजिए, ये वाला पार्ट मत करिए, यहाँ पे थोड़ा फिर और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक्चुअली सिस्टम में थोड़ा ये वाला मत करिए, उसको करेक्ट करके ये कर लीजिए। नहीं, ये डांसिंग रेजोनेंस और इसकी वजह से पंगा हो जाएगा इसमें, सिर्फ आप ये ऊपर वाला करिए करिए। मैं लाइन देना भूल गया। इस केस में करेगा,
ठीक है, ये वाला, फिर इस वाले में और ये वाला तो सेम ही है। यहां देखिए ये 3 डिग्री है। अच्छा अब 3 डिग्री है, इसके अल्फा एच काउंट करिए, अल्फा एच में इसके अल्फा एच कितने हैं, इसके अल्फा एच कितने हैं, 1, 2, 5, और मैंने इसको ऊपर शिफ्ट करा दिया, तो अल्फा एच कितने रहेंगे, 3, 3 और यहां पे 1, 7। तो ये आगे प्रोसीड करेगा, ये आगे प्रोसीड करेगा। 10th वाला बताइए, टेंथ वाले में शिफ्ट करेगा वेद, बता बेटा, टेंथ वाले में ये नीचे है, इधर नीचे है सर, ऊपर जाएगा वो, क्योंकि उसके फिर अल्फा एच 7 हो जाएंगे। हाँ, इसमें अल्फा एच चेंज हो जाएंगे, इसमें अल्फा एच कितने हैं, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे कितने 6। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो 3 यहां 3 यहां 1 यहां, अल्फा है 7 7 7, शिफ्ट करें, ठीक, ओके। ये वाला क्या था, इस वाले में भी ऊपर शिफ्ट करेगा, देखो अल्फा एच 1, 2, 2, 5 हो गए, अपन ने इसको ऐसे ऊपर डाल, ठीक है, ये अल्फा एच कितने हुए, 3, 3 और 1, 7, शिफ्ट करेगा। आर्या ये बताओ, 12th में शिफ्टिंग होगी कि नहीं, आर्या आर्या नहीं है क्या, ओके जोशी, हाँ बताओ बेटा, शिफ्टिंग होगी कि नहीं 12th में, हाँ सर, क्यों होगी बेटा, रीजन, अल्फा एच अभी रुक जाएगा कि और भी होगा, ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री से 2 डिग्री बना, अब और भी आगे प्रोसीड करेगा, क्यों, ये आगे फर्दर जाएगा, रेजोनेंस, रीजन क्या है, रेजोनेंस, रीजन क्या है, रेजोनेंस, ठीक है। तो शिफ्टिंग चलती रहती है कब तक, जब तक स्टेबल और ज्यादा स्टेबल हो रहा है, और ज्यादा तो करेगा, जिस इंस्टेंट पे लग रहा है कि अभी और शिफ्टिंग करने से अपन कम स्टेबल हो गए, तो वो स्टेप पे जाएगा नहीं। और 13 तो आसान है ही, 13 तो बहुत ही आसान है, CH2 प्लस क्या है यहाँ पे, CH2 फिर S और ये CH3, इसमें क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां शिफ्ट मारेगा, तो CH3 CH प्लस, इसको फायदा है, रीजन भी सल्फर पे लोन पेयर होता है, सल्फर पे लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर, पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, ठीक है। ये शिफ्टिंग वाले जितने भी थे, क्या आपसे ये सारे सवाल हो गए,
सभी सारे सही गए क्या? एक आधे को गलत हुए? टोटल जो भी थे मतलब 10-11 राउंड होंगे, दो तीन तो रिपीट ही हो गए, 10-11 राउंड 8 सही गए, 7-8 सही गए। ओके ठीक है, वेरी गुड। मतलब इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है। ठीक है, आज कार्बो के टाइम पे मेजर पार्ट अपन कंप्लीट करेंगे। तो हमने हाइड्राइड शिफ्ट सीखा, अल्काइल शिफ्ट सीखा, और फिर फाइनली फिनाइल शिफ्ट देखा। अब कौन सा शिफ्ट कब होगा, कौन सा शिफ्ट कब होगा, वो डिपेंड करता है रिएक्शंस कैसी है। ठीक है, सो दो टाइप में आपका डिस्कशन होगा, आपसे अगर पूछे, एक होगा रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है देन वी विल सी द स्टेबिलिटी, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस है तो आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। जैसे मैंने आपको ये चीज दी, ध्यान से, मैंने बहुत इजी है। अब इसका शिफ्टिंग होगा, कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग होगा। अब शिफ्टिंग होगा तो कौन सा बंदा निकले? देखो अपने पास तीन शिफ्ट होते हैं, एक हाइड्राइल शिफ्ट है, एक अल्काइल शिफ्ट है, और तीसरा एक फिनाइल शिफ्ट है। अब इसमें से कौन, तीनों लोग हैं, हाइड्रोजन भी है, CH3 भी है, और फिनाइल भी है। अब इनमें कौन शिफ्ट होगा? अगर रिवर्सिबल रिएक्शन बोले तो उस बंदे को शिफ्ट कराओ जिससे कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल बने। तो मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया। जैसे मैंने हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया, ये इधर आया, ये इधर, और ये, अब ये सबसे स्टेबल फॉर्म है। क्यों? तो रेजोनेंस में जा रहा फिनाइल के साथ, प्लस इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा, तो यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट टेक्स प्लेस। यहां पे कौन डिसाइड करता है? यहां पे डिसाइड करता है कौन सा स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल बनेगा, मतलब कौन सा कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल। यहाँ रेजोनेंस में जा रहा, इसकी वजह से ये एच यहां से उड़ के आ गया। कौन सी रिवर्सिबल रिएक्शन? अपन किसके बिहाफ पे देखेंगे? स्टेबिलिटी के बिहाफ पे। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये वाला पार्ट ऐसा नहीं होगा कि आपने सी लिया, एच रखा, ये एच है पॉजिटिव, ये CH2 और ये CH। ठीक है, देखो यहां से भी तो आ ही रहा, ये पार्ट नहीं होगा। कौन शिफ्ट होगा? दिस इज स्टेबिलिटी ज्यादा बेटर है, दिस इज स्टेबिलिटी ज्यादा बेटर है। बात समझ में आ रही है? ये चीज नहीं होगी, ये होगा। क्लियर चमका? क्या रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, होते से ही डन लिखो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। CH3 pH CH2 plus
आपसे पूछा जाए इनमें कौन शिफ्ट करेगा, वेदर दैट वुड बी फिनाइल और वेदर दैट वुड बी सी एच थ्री. अच्छा रह गया तो भाई फटाफट सा. एक सेकेंड है ओके. चलिए इसमें बताइए कौन पीएच की सी एच थ्री. देखो सी एच थ्री एक स्ट्रक्चर ये बन जाता और एक ये बनता सी एच थ्री सी सी एच थ्री प्लस सी एच टू पी एच. कौन ज्यादा बेटर वन की टू. ऑब्वियस है यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये कार्बो का टाइम क्या होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल है मोर स्टेबल तो ये वाला बनेगा नहीं ये वाला. ठीक अच्छा ये बताइए रिवर्सिबल है ये याद रखना है. ये ऐसा कोमड़ी का पैर लगा दिया ठीक है. अब कौन सा बनेगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री ये चीज बनेगी ये चीज बनेगी. ए की बी किससे ज्यादा फायदा होगा. देखो इंपॉर्टेंट क्या है सबसे पहले अल्फा एच चेक करो हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग. हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस आई. इतना सा फंडा है वो याद रखना है. कौन स्टेबल. अरे इसके अल्फा एच तीन प्लस दो आठ ऐसे तीन यहां तो शून्य यहां दो पांच ये स्टेबल. बोलो जीओसी का काम आ रहा है कि नहीं. इधर जीओसी का काम आ रहा है ना. जिस बच्चे को जीओसी आता है वो कर लेगा. लास्ट जरा डायग्राम बनाओ. कौन शिफ्ट होगा.
अरे भैया डायग्राम बना के देखो, उल्टे पुल्टे आंसर मत किया करा तुम लोग। एक बार ये बना के देखा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पीएच। एक बार पीएच को भगा के देखा, पीएच को इधर भेजा, यहाँ CH3। बोलो मलार कॉन्स्टेबल, ए की बी। मलार कॉन्स्टेबल ए की बी, ऑब्वियस है भैया ये स्टेबल। ओके भूल ही गया था मैं। मलार ए क्यों स्टेबल है बताओ जरा अभी। रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस, तो प्लीज प्लीज जीओसी वापस देखो। अर्थ का जीओसी उड़ गया, इतना ज्यादा भयंकर चीजें थी, अब खत्म करता। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का जब नाम दे दे तो आपको क्या देखना है, स्टेबल किसमें ज्यादा कार्बोकैटायन होगा वही रिएक्शन होगी, वही रिएक्शन होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर रिएक्शंस आर इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल रिएक्शंस, तो जब रिएक्शंस इररिवर्सिबल है देन देन इफ रिएक्शंस आर इररिवर्सिबल इररिवर्सिबल देन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एक होता है ना एप्टीट्यूड टेस्ट, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज अप्लाइड। व्हाट इज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब रेट रेट ऑफ शिफ्टिंग इज अप्लाइड, कि कौन सबसे पहले शिफ्ट होता है। तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ऐसा है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो है एच, फिर पीएच और फिर आर। इसको लिख लीजिए, इसको एक बार लिख लीजिए। रिवर्सिबल में स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इरिवर्सिबल में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, दिस इज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। सो लेट से आपको ऐसा दिया, हो गया ना ये, ये दिया और बोला दिस इज इरिवर्सिबल। तो अब कौन मूव करेगा, ऑर्डर क्या है, एच पी एच आर, कौन मूव करेगा इस पर।
अरे आवाज आ रही है ना? इस समय कौन मूव करेगा? इस समय मूव करेगा CH3 एज इट इज रहेगा, ये इधर रहेगा, आए क्या कितों को आ गया? देखो ऑर्डर क्या था, H PH और फिर R, H PH और फिर R, समझ में आया? यस नो लिखो, हाँ आर मतलब अल्काइल ग्रुप, आर मतलब अल्काइल ग्रुप। अच्छा अगर मान लीजिए कहीं पे आपको टाई आ जाता, ठीक है, जो आर ग्रुप है, देखो ये अल्काइल है, फिनाइल है और हाइड्रोजन है, तो ये आपको दिया, ये तो खैर उस वाले केस में भी सेम ही था, ठीक है, यहाँ पे तो सेम ही चीज रहे, इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल है, तो कौन शिफ्ट मारेगा? एच मार दे, एच मार देगा, फिर पीएच, फिर आर, ठीक है, ये पार्ट हो गया सभी से। अच्छा एक चीज और है, अगर कभी आपके पास में आर दिया गया, सिर्फ आर है, ठीक है, ये तो आपको आई गेस समझ में आ गया, अगर ऐसा कुछ केस दिया हुआ है, सी सी एच थ्री एच है, डी है, ये नहीं करते, सी एच थ्री सी डी थ्री करते हैं, नहीं चलो रुक जाओ, दूसरा देता हूं आपको, एक से नौ उसको बाद में बताएंगे, ऐसा ये। अब देखिए ये भी अल्काइल ग्रुप, सारे अल्काइल ग्रुप है, CH3 और ये भी कोमड़ी का टांग जो है, ये भी अल्काइल ग्रुप ही है, ना यहाँ फिनाइल है ना एच है, तो इस केस में इनमें से कौन सा अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होगा? वो अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होगा जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर हो, इन सब में इंडिविजुअली सबसे बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? सबसे बेटर, अरे देखो एक CH3 है, एक ये है, ये कोमड़ी का पैर सबसे बेस्ट, ये इधर गया, इधर बेटर इन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, जब कहीं पे सबसे पहला प्रेफरेंस क्या देना है, सबसे पहला प्रेफरेंस देना है एच पी एच, तो मतलब हाइड्रोजन फिनाइल देन अल्काइल, अगर कहीं पे टाइम हो कि यार यहाँ पे तो फिनाइल और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यू चेक द बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो लिख लीजिए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटर, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इसका प्लस आई ज्यादा है, इसकी वजह से ये माइग्रेट करेगा। अभी और एग्जांपल देते हैं, अच्छा मान लो मैं एक एग्जांपल दूं कि
एक मेरे पास है CH3, एक है अल्काइल, ये इथाइल, एक ये है और एक ये है। इनमें ऑर्डर क्या होगा शिफ्ट का, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा कम किसका होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब ये हाइड्राइड शिफ्ट में इनमें से किसी को शिफ्ट होना है, सबसे बढ़िया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होगा, सबसे कम ऑर्डर बताओ। ये ऑर्डर है ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर उतना बढ़िया ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इस वजह से भाग जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शंस में। फोर्थ, अब ये देखो कितने लोग बता पाते हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, कौन सबसे बढ़िया माइग्रेटर होगा, सबसे बढ़िया माइग्रेटर कौन सा होगा, रीजन के साथ में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है, प्रियांशु बताओ। सर सी वाला होगा सर, क्यों बेटा? सर प्लस सी में वो है माइनस एम, नहीं प्लस एम, प्लस एम, प्लस एम, प्लस एम, इसमें प्लस एच, प्लस एच, इसमें कोई नहीं, कोई नहीं। अरे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ना प्लस एम ग्रुप, जीओसी नहीं आता जिस भी बच्चे को, प्लीज रिवाइज करो जीओसी, लेक्चर पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, नोट्स आपके पास ही है, 2x 3x में लगा के उसको वापस देखते रहो, नोट्स हैं उनको वापस देखिए, प्लस है सबसे बढ़िया अच्छा माइग्रेटर ये, यही है पूरे पूरे ऑर्गेनिक में, यही है प्लस आई प्लस एम ये वो। चलिए ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आता है, ठीक है आगे बढ़ जाए। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबको पता है। अच्छा एक और चीज, एच डी और ट्रिटियम, इनमें सबसे बढ़िया माइग्रेटर कौन होता है, एच होता है, फिर डी होता है, फिर टी होता है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड जो है इसमें बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड, तो ये फटाक से टूट के दूसरे कार्बोकैटायन पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका है एच डी टी। हो गया तो डन लिख दो। आज फिर रिएक्शंस पे भी फटाफट पहुंच जाएंगे अपन,
कार्बोकैटायन ही डिस्कशन चल रहा था। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी रिएक्शंस होंगे ना कार्बन से रिलेटेड, मेजॉरिटी में आपको कार्बोकैटायन की रिएक्शंस ही आएंगे। फिर कार्बोएनायन है, फ्री फ्री रेडिकल, बाकी लोग तो बहुत कम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन है, इसके लिए सबसे ज्यादा टाइम इसी पे स्पेंड करते हैं। देखिए मैंने आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये सब बता दिया। अच्छा एक चीज और होता है, देखो तीन चीजें देख ली अपन ने, हाइड्राइड शिफ्ट, फिर अल्काइल शिफ्ट, फिर एक देखा अपन ने फिनाइल शिफ्ट। एक चीज और होती है रिंग अरेंजमेंट, या बेटर टर्म है साइक्लिक रीअरेंजमेंट। क्या होता है साइक्लिक रीअरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें अच्छे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। साइक्लिक रिंग अरेंजमेंट, देखो अरेंजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, अगर इनकेस नहीं समझ में आए वापस रिकॉर्डिंग देख लेना। सारे प्रोडक्ट जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उसमें ये रीअरेंजमेंट होता है, और साइक्लिक रीअरेंजमेंट थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले अपन देखते हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या देखते हैं? रिंग का एक्सपेंशन। अच्छा बहुत पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी सबसे कम स्टेबल थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग होता है, ये बताया था मैंने। ये सबसे कम स्टेबल क्यों होता है? ये सबसे कम अक्षय, ये स्टेबल या अनस्टेबल होता है, क्यों होता है बेटा अक्षय? एसी आदित्य तुम बताओ बेटा। सर एंगल स्ट्रेन। हाँ एंगल स्ट्रेन, क्योंकि 60 डिग्री है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन है तो ये अनस्टेबल होता है, ठीक। अच्छा उससे ज्यादा स्टेबल, थ्री मेंबर से ज्यादा स्टेबल कौन होता है आदित्य? फोर मेंबर बहुत बढ़िया। फोर मेंबर से ज्यादा फाइव मेंबर से ज्यादा सिक्स मेंबर। सिक्स मेंबर के कितने कंफर्मर्स होते हैं? सिक्स मेंबर के अमय गुलाने बेटा कितने कंफर्मर्स होते हैं? अपन ने उसमें किया था इसमें कौन सा कंफर्मर आता? कंफर्मर्स याद है क्या? सबसे स्टेबल फॉर्म, इसके कंफर्मर का सबसे स्टेबल फॉर्म का क्या नाम है? गुलाने नहीं है क्या? बुलाने नहीं है। ध्रुवी तुम बताओ बेटा। यस सर। बताओ इसे सबसे स्टेबल फॉर्म का नाम क्या है? सर एंटी। एंटी, हे भगवान। अरे चेयर बोट ये सब बताए थे ना यार, ये कंफर्मर इसका चेयर फॉर्म रहता है, उसके अपन ने डायग्राम किए थे, कुर्सी बनाई थी। यस सर, है ना, चेयर फॉर्म नाम है इसका, ठीक। अच्छा अब तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर, छह मेंबर, क्या सात मेंबर इससे भी स्टेबल होता है छह से? ये पहले धारणा थी जो कि गलत है। क्या है? सात मेंबर का रिंग वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। छह मेंबर का रिंग मोस्ट स्टेबल रिंग। बात समझ में आई? तो अगर किसी बंदे को तीन से चार में जाने का मौका मिल रहा हो, चार से पांच में जाने का मौका मिल रहा हो, और पांच से छह में जाने का मौका मिल रहा हो, तो वो अपना रिंग एक्सपैंड करेगा। पहले यहां तक लिख लीजिए, अभी प्रॉब्लम करते हैं, घबराओ नहीं, प्रॉब्लम करते हैं। बहुत इजी सेक्शन है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। हम बार बार रिपीट करते रहूंगा वापस। थ्री मेंबर, चार, पांच, छह सबसे ज्यादा स्टेबल, छह सात से भी ज्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म। उसके ये ऐसे करके बताए ऐसा। सोनी
इसको क्या बोलते हैं, ए को कौन सा बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, ए को क्या कौन सा पोजीशन बोलते हैं सोनी? सर इक्वेटोरियल पोजीशन, सॉरी ए को एक्सियल और बी को इक्वेटोरियल, बी को इक्वेटोरियल, ये इसका वर्टिकली अपवर्ड, ये इस लाइन से पैरेलल ये बी हो गया, फिर नीचे वाला किधर होगा, इसके ऊपर वन ये टू, इसका एक्सियल किधर होगा, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड, ठीक है, और ये डाउनवर्ड था तो अभी इसका ये ऊपर, ठीक है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल, फिर ये एक्सियल ये, ठीक है, तो अपन ने जीओसी में किया, उसमें किया था, सॉरी आइसोमेरिज्म, ठीक। अच्छा अब मुद्दा देखिए, ध्यान से समझिए, एक ये फॉर्म दिया हुआ है सी एच टू प्लस, आइडेंटिफाई कैसे करना, एक चार मेंबर रिंग है और उसके जस्ट बाहर एक कार्बन लगा हुआ है और उसपे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कार्बोकेटायन। तो इसमें क्या होता है, देखो फंडा वही है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, अब थ्री पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये रिंग एक्सपैंड कैसे होता है, ये रिंग एक्सपैंड होता है, रिंग कैसे एक्सपैंड होता है, एकदम सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, देखो मेरे को रिंग बड़ी करनी है, रिंग बड़ी करनी है तो वन और थ्री बॉन्ड बना लेंगे, क्या करेंगे, वन और थ्री बॉन्ड बना लेंगे, वन और थ्री बॉन्ड बना लेंगे और टू और थ्री बॉन्ड तोड़ देंगे, वन और थ्री बॉन्ड फॉर्म करेंगे, टू और थ्री बॉन्ड ब्रेक करेंगे, टू और थ्री क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो रिंग देखो कैसे कैसे बन गया, वन ये कार्बन सी एच टू वन, फिर ये टू थ्री, सॉरी सॉरी थ्री तो यहां पे है, ये था वन, ये यहां पे, और ये देखो इसको थ्री से मिला दिया, यहां पे टू, तो वन और थ्री में बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूटा यहां से, ये टू पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, टू पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने बॉन्ड तोड़ा, देखो क्या करेगा थ्री, क्या करेगा थ्री, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये बॉन्ड पेयर है ना, ये थ्री ये सारे इलेक्ट्रॉन हड़प लेगा और वन के साथ में बॉन्डिंग कर देगा, क्यों, क्योंकि वन के साथ पॉजिटिव है, तो किसने गद्दारी करी, थ्री ने किसके साथ करी, टू के साथ, तो टू जो बेचारा पॉजिटिव चार्ज के साथ में अकेला रह जाएगा, क्या ये फॉर्म समझ में आया, सो दिस इज अ फाइव मेंबर रिंग विद पॉजिटिव साइन ऑन दिस, ठीक है। अब फाइव मेंबर रिंग, सॉरी किसका माइक, फाइव मेंबर रिंग मोर स्टेबल, आई होप सबको समझ में आया, ये वापिस करते हैं, वापिस करते हैं, आप पॉजिटिव चार्ज जहां कैटायन है उसको वन दे दीजिए, ये टू और ये थ्री, वन और थ्री को बॉन्ड फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, देखो वन और थ्री में बॉन्ड फॉर्म होगा, टू और थ्री में टूटेगा, तो ये चार से पांच मेंबर रिंग हो जाएगी, टू पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, एकदम सिंपल सा फंडा है। अच्छा एक और करके देखते हैं, ये देखो सी एच टू प्लस, ठीक है, अब कितने मेंबर रिंग है, पांच मेंबर, क्या पांच मेंबर रिंग और भी स्टेबल हो सकती है, हाँ, तो ये कितनी थी, ये पहले वाले फोर मेंबर थी, फंडा क्या, एक दो तीन, एक दो तीन क्या करना है, एक और तीन में बॉन्ड बनाना है और दो और तीन में बॉन्ड छोड़ देना है, तो एक दो तीन में, एक और तीन में बॉन्ड बना, दो यहां पे छोड़ गया, दो पे पॉजिटिव चार्ज, सिक्स मेंबर, कितनों समझ में आई, एक और तीन में बॉन्ड बना, टू से बॉन्ड टूटा, तो
किसके साथ धोखा हो गया, टू के साथ, तो उसके जो भी इलेक्ट्रॉन थे कोई और लेके भाग गया, कौन, तीन, तीन ने किसके साथ में दोस्ती कर ली, वन के साथ में, तो बेचारा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा। ये बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट होता है, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में और बताता हूँ। यहां तक ये समझ में आएगा, ये मोर स्टेबल पंडवस वन टू थ्री का ही है। बच्चों हो गया, डन, लिखो, अभी और करते हैं, घबराओ नहीं। जैसे उसमें अपन ने रीअरेंजमेंट में बहुत सारे सवाल किए थे, इसमें भी अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। कुंज निकुंज का हो गया, ठीक है, देखो होता क्या है ना, इसको अगर स्टेप वाइज आपको समझाना है, कोई बोलेगी यार कौन सा, ये ऐसा होता है CH2+, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ए दो तीन होते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली CH2 1 2 3 ना, सो देखो ये बॉन्ड इससे बनता है और ये बॉन्ड टूटता रहता है, तो ये जो इन बिटवीन वाला बॉन्ड है ये टूटता रहता है। देखो ये टू है, ये पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये स्टेप बनता है, टू, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज वन, तो टू और थ्री में बॉन्ड टूटता है, वन और थ्री में फॉर्म होता है, तो ये होता है उसका ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट करते से ही ये वन CH2, ये 3, 4, ये 5, ये ऐसा, फिर एक सेकेंड कुछ मैंने गड़बड़ बनाया, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, इतना हुआ, ये 4 ले लो, ये 5 ले लो, ये 6 ले लो, तो ये 1 2 sorry 1 3 4 5 6 और ये 2, समझ में आया बच्चों? अच्छा इसका ट्राई करके देखिए, इसका कोई मुझे बता सकता, निकुंज नहीं सॉरी कुंज कुंज ये देखो बेटा, अच्छा कौन, माइक ऑन करो, यस सर, अच्छा ये बताओ ये डायरेक्टली रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा क्या इसमें? नहीं नहीं, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? सो वन वन डिग्री, तो इसका डायरेक्टली वन डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला इसका कार्बोकेटाइन का हाइड्राइड शिफ्ट होगा, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, कितनों को ये समझ में आया, 1 डिग्री से 2 डिग्री बना, समझ में आया? अच्छा अब क्या होगा, अब ये 3 डिग्री ना बनते हुए ये किस में जाता, देखो 2 डिग्री बन गया, अब इसके पास है रिंग को एक्सपैंड करने का चांस, एंगल स्ट्रेन कम करने का चांस, तो 1 2 और 3 1 2 3, तो अब होगा क्या, ये 6 मेंबर रिंग हो जाएगा, ये 1 से एक मिथाइल लगा हुआ है, ये 3 से जुड़ जाएगा,
ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है. वन दिस इज टू, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, दिस इज फोर फाइव सिक्स. सिक्स के बगल में टू, पॉजिटिव चार्ज किस पे? टू पे. कितनों को समझ में आई है? क्या यहाँ पे मामला रुक जाएगा या कुछ और भी आगे बढ़ेगा? इज देयर एनी चांस टू प्रोसीड फर्दर? देखो हमेशा क्या करना, जहां पे रिंग एक्सपेंशन होता है तो वन टू थ्री लिख लेना. जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे वन, फिर जो अटैच है रिंग से टू, फिर थ्री. वन और थ्री में बॉन्ड बना देना, फिर टू पे पॉजिटिव चार्ज लिया ना. टू पे पॉजिटिव चार्ज लिया, वन और थ्री में बॉन्ड बन गया. अब क्या होगा, अब कुछ शिफ्टिंग हो सकती है क्या? देखो वन जो है इसके पास में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और सी एच थ्री भी है. अब एक हाइड्राइड शिफ्ट और हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट और हो सकता है. हाइड्राइड शिफ्ट वो किधर करेगा? इधर पीछे करने से कोई फायदा नहीं है. सबसे पहले इधर करो, जो जैसे मैंने यहां किया, किधर? हाइड्राइड शिफ्ट. ये एच इधर लगाया, एच इधर लगाया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ. अभी बहुत एक्सट्रीमली स्टेबल हो गया, एक्सट्रीमली स्टेबल हो गया. क्यों स्टेबल हो गया? अल्फा एच इसके हो जाएंगे तीन प्लस दो प्लस दो, आप चार, चार प्लस तीन सात. देखो कितना फायदा हो गया, रिंग भी बढ़ गया, पांच मेंबर से छह मेंबर भी हो गए और हाइड्राइड शिफ्ट भी हो गए. तो ये बढ़िया स्टेबल कार्बोकैटायन. कितने जनता को समझ में आ गया ये? अच्छे सवाल है ये. जिस बच्चे को शिफ्टिंग नहीं आती वो तो ये समझ ही नहीं पा रहा होगा. जब भी एक छोटे मेंबर रिंग से बड़े मेंबर का स्कोप है, रिंग एक्सपेंशन का स्कोप है, तो रिंग एक्सपैंड करेगा. रिंग एक्सपैंड करने के बाद में अगर चांसेस हैं कि भाई कुछ शिफ्ट हो सकता है तो जरूर शिफ्ट करेगा. ठीक, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया. और प्रैक्टिस करते हैं, पूरा समझ में आएगा. बढ़ जाओ आगे. कहीं पे भी कोई डाउट हो पूछ लेना. कौन सा था ये? तो ये तीसरा था. अब ये देखो, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन सवाल, मजा आ जाएगा. कितना मेंबर रिंग? चार मेंबर रिंग. चार मेंबर रिंग में क्या शिफ्टिंग पॉसिबल है? हाँ, एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन का स्कोप है, रिंग है, रिंग के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिंग एक्सपेंशन. सो दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री. दिस इज वन टू, दिस इज थ्री. क्या होगा? वन और थ्री में बॉन्ड बनेगा और टू पे पॉजिटिव आ जाएगा. तो ये चार मेंबर से कितना हो जाएगा? पांच मेंबर हो जाएगा. चार से पांच. किसने? वन ने किसके साथ दोस्ती करी? थ्री के साथ. किसको लात मारा? टू को. और ये चीज है, कितनों को आया समझ में? वन के ऊपर ऐसा ये वाई बना हुआ है ना, ये क्लियर है क्या? वन ने तीन के साथ दोस्ती करी, दो के साथ दोस्ती तोड़ दी, तो दो के साथ पॉजिटिव चार्ज. चार से पांच मेंबर हो गया. यहां पे ये क्या हुआ? रिंग एक्सपेंशन. ये वन टू थ्री का, वन टू थ्री आया ना. अच्छा अब बताओ, ये टू डिग्री है, टू डिग्री कार्बोकैटायन है, क्या कुछ आगे पॉसिबिलिटी है? हाँ भाई बताओ.
पॉसिबिलिटी है। हाँ ध्रुवी किधर जाएगा? यस सर। किधर जाएगा? सर वन की तरफ जाएगा। वन की तरफ जाएगा, तो क्या शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ कि मिथाइल शिफ्ट हुआ? वन के वन पे क्या लगे हुए? मिथाइल शिफ्ट हुआ, मिथाइल शिफ्ट हुआ। मिथाइल शिफ्ट, टू पे मिथाइल आ गया, वन पे एक मिथाइल था और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये थ्री डिग्री कार्बोकेटायन, अल्फा एच इसके होंगे कुछ 3, 2 और 1, 6 अल्फा एच, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी बन गया, रिंग भी एक्सपैंड हो गई, तो ये ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। कभी भी समस्या लगे तो क्या करना, 1, 2, 3 करके देख लेना। इतना क्लियर है? पढ़ जाऊं आगे? अच्छा, अब और तूफानी सवाल, ये सवाल जिससे हो गया ना, ये जितने भी प्रॉब्लम्स आज शिफ्टिंग वाले किए ना, वापस उसको घर पे जाके कर लेना, वापस शिफ्टिंग वाले जितने भी प्रॉब्लम किए खुद बनाना। अच्छा ये प्रॉब्लम देखो, ओ भाई साहब मजा आ गया, इतना खतरनाक प्रॉब्लम। जिस बच्चे को ये कर लिया उसको मजा आ जाएगा। ये देखो कितने मेंबर रिंग है, कोई बच्चा माइक ऑन करे, ऑन करेगा आदित्य, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। अच्छा कितने मेंबर रिंग है बेटा? 5 मेंबर। 5 मेंबर रिंग, क्या रिंग के नेक्स्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? देखो ये रिंग, रिंग से लगा हुआ एक कार्बन, क्या उस पे पॉजिटिव चार्ज है? हाँ सर। तो एक्सपेंशन हो सकता है? हाँ हो सर, हो सकता है। तो अपन नंबरिंग किससे करते हैं, नंबरिंग किससे स्टार्ट करनी बेटा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव को क्या नंबर देते हैं? 1। फिर इसको इसको क्या नंबर देंगे? 2। और इसको 3। अब देखो किस में बॉन्ड बनेगा? 1 और 3 में। 1 और 3 में, तो ये 5 मेंबर था, 5 मेंबर था, 1 और 3 में बॉन्ड बन गया, 1 और 3 में बॉन्ड बन गया, 1, 3, और फिर ये 2, ये कितने की रिंग बन गई? ये कितने की रिंग हो गई? 6 मेंबर। 6 मेंबर, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया क्या काम? हाँ सर। नहीं अभी नहीं हुआ, ये देखो वापिस देखना, मजेदार सवाल। ये 5 से 6 मेंबर रिंग हुई, अब ये कितनी है? ये तो स्टेबल हो गया 6 मेंबर, ये बगल वाला 5 है। अच्छा ये बगल वाले 5 से रिंग से एक कार्बन छोड़ के पॉजिटिव चार्ज है? देखो ये रिंग था, इस रिंग के एंड पे एक कार्बन छोड़ के पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, उससे जस्ट एक कार्बन आगे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इसको वापस रीड्रॉ कर लिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यार ये पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग है यहां, तो इधर नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, समझ में आ रहा क्या? अरे रे एक दो तीन, देखो क्या करेंगे अपन, 1 और 3 में बॉन्ड बनाएंगे, 1 और 3 में बॉन्ड बनाएंगे, 1 और 3 में बॉन्ड बन गया, ये 2 यहां पे, 2
इसका दो और इसका दो सेम मैच कर रहे, ये दो यहाँ। अच्छा फिर दो के बाद में ये देखो तीन चार पांच और ये छह, एक दो तीन चार पांच छह। तो एक ने तीन के साथ दोस्ती कर ली, वन ने थ्री के साथ दोस्ती करी, टू यहाँ पे है। अच्छा फिर थ्री के बाद में फोर, फोर के बाद में फाइव, फाइव के बाद में सिक्स और सिक्स इससे जुड़ा हुआ और ये पॉजिटिव। समझ में आया? समझ में आया क्या? वन थ्री टू पे पॉजिटिव चार्ज, फोर फाइव सिक्स पांच मेंबर की रिंग, दोनों छह मेंबर रिंग में हो गई। देखो यहां पे भी रिंग एक्सपेंशन, इसका क्या हो रहा है? रिंग एक्सपेंशन। अच्छा सवाल है ये, प्रैक्टिस करना वापस। अभी मैंने कितने करा दिए? चार पांच मेंबर वाला हो गया। ये तो थोड़े अच्छे प्रॉब्लम थे, इसमें दो बार रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा ये ट्राई करो और इसका आंसर मेरे को रिंग एक्सपेंड करा के अभी व्हाट्सएप पे सेंड कर। पांच मेंबर रिंग है और यहां बाहर पॉजिटिव चार्ज, आंसर बना के भेजो, आंसर बना के भेजो। ये पांच पांच के थे तो ये पांच पांच के छह हो गए आराम से। पहले कोई बताना चाहे तो बता भी सकता, कौन कौन बच्चा? आयुष, आयुष हेल्प करना चाहते? सबसे पहले क्या होगा? आयुष, प्रेम तुम बताओ बेटा सबसे पहले क्या होगा? अरे प्रेम गायब हो गया। देवांश सर, हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट तो ये सबसे पहले क्या बन जाएगा? वन डिग्री से कितना डिग्री? टू डिग्री। टू डिग्री। अब रिंग एक्सपेंशन का चांस बनता क्या? बोलो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है अभी? अरे कहाँ गए देवांश? यस सर। तो रिंग एक्सपेंशन का चांस कैसे करते थे अपन? रिंग एक्सपेंशन का तरीका क्या था? वन और थ्री बॉन्ड फॉर्म होंगे और टू और टू और ये थ्री। फिर क्या हो गया? ये कितने मेंबर रिंग हो गई? ये वन इधर है, वन इधर है, थ्री इधर है, फिर ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे। दिस इज फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स एंड दिस इज टू। पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? टू पर सर। टू पे पॉजिटिव चार्ज टू, बस खत्म या कुछ और भी हो सकता? सो अभी अल्फा एच चेक करेंगे, अगर हो रहा होगा तो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं। हाँ देखो ये वन के पास में भी इसकी वैलेंसी चार है, दो इधर एक यहाँ पे एच।
अगर एच है तो क्या बनेगा, यहाँ पे एच शिफ्ट हो जाएगा टू पे और एक आर को कटाएगा। वेरी गुड, प्रियांशु ने भेजा और किसने भेजा, श्रेया ने भेजा, सिद्धार्थ, अरे कितने श्रेया कितने बना दिए, कार्बन से काउंट मत चेंज करो। वेरी गुड, ये देखो टोटल कितने कार्बन है, पांच रिंग में दो बाहर, सेवन कार्बन है, ये कितने सिक्स कार्बन, ये कितने सिक्स कार्बन, रिंग में एक कार्बन बाहर, इसमें पांच कार्बन, रिंग में दो कार्बन बाहर। ये क्लियर हुआ सबको, देखो पांच मेंबर का बनाया था ये वाला, ऐसा पहले बना दिया, अरे सेम ही तो है, सेम ही है यार, एक बार वापस करा दिया मैंने बिना काम। अब इसमें क्या तीन चार मेंबर चलता हो, एक ही चीज करा दी मैंने दो बार। चलो ये करके दिखाओ, ये फाइनल अच्छा सवाल है, चार मेंबर रिंग, दो चार मेंबर रिंग और किस पे, इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बताओ क्या होगा, बना के दिखाओ। अरे मस्त सवाल है, ट्राई करो ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं होना। प्रियांश ने भेजा, ओके देखो आप मेजोरिटी कहाँ गलती करोगे ना, पॉजिटिव साइन को ऊपर नीचे करने में गलती करोगे। आशीष ओके बेटा, माइक ऑन करो, आशीष आशीष नहीं है, फिर साची, साची नहीं तो फिर राधा, राधा भी नहीं, कौन हैंड रेज करो जिसको बताना हो, हैंड रेज करो, कोई भी नहीं, सब क्या हो गए, सो गए क्या, हमें गुलाने, फाइनली हमें गुलाने इज हियर, कार्तिक भी है, ध्रुवी भी, हाँ हमें
बता बेटा सबसे पहले क्या होगा सर वन और थ्री बॉन्ड बनाएगी वन टू थ्री वन टू थ्री देखो ये रिंग चार मेंबर उससे जो में पॉजिटिव तो किस में बॉन्ड बनेगा एक और तीन में तो ये अपना चार मेंबर रिंग चार मेंबर से अपन कितने हो गए चार मेंबर में एक है एक के साथ जुड़ गया तीन, तीन. और ये कितना मेंबर हो गया फिर ये टू टू से फाइव मेंबर हो गया हाँ ये टू पे पॉजिटिव थ्री में हुआ ना तो ये ऐसा टू और एक दो तीन ऐसा कुछ हो गया ठीक है तो ये टू ये फोर और ये फाइव तो ये फोर और फाइव पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा बेटा हमें टू पे टू पे आएगा अच्छा टू पे आया तो अब क्या चांस है अभी इसको एक बार वापस से ढंग से इधर से बना ले तो ये ऐसा कुछ है अपने पास में और इस टू पे पॉजिटिव चार्ज है ठीक अब मैं नंबरिंग करके वापस से देखो चार मेंबर रिंग चार मेंबर के सामने इस पे पॉजिटिव चार्ज तो वन टू थ्री अब किसी बीच में बॉन्ड बनेंगे वन और थ्री बॉन्ड बनाएगा और टू पे पॉजिटिव आएगा ओके तो वन और थ्री ये बॉन्ड बना लिया टू इधर है फिर ये बॉन्ड बना गया ऐसा तो ये फोर और ये फाइव तो ये फोर ये फाइव और ये ऐसा और ये पॉजिटिव ठीक है इतना सबको समझ में आ गया सबका यही आया क्या समान यही आएगा बेटा यस सर ठीक है बस नंबरिंग नंबरिंग याद रखना नंबरिंग याद करना बाकी सब आसान है ओके ओके तो ये तो और रिंग एक्सपेंशन की बात अब कभी कभार रिंग एक्सपेंशन होता भी नहीं है जैसे केस व्हेन रिंग एक्सपेंशन is not followed. Majority, most of the cases में अगर three member है तो चार member में जाएगा चार है तो पांच पांच है तो छ अब ये देखिए जरा ring ring है तीन member ring के just बाहर एक carbon है जो कि carbocation है positive charge. तो ये जाएगा क्या क्या ये चार member ring बनेगा क्या ये चार मेंबर नहीं बनेगा ये चार मेंबर रिंग नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि यहां डांसिंग रेजोनेंस हो रहा ये फॉर्म किस में चला जाएगा ये फॉर्म ऐसा ठीक है ये ऐसा हो जाएगा ये अपने आप ही दिस इज डांसिंग रेजोनेंस दिस इज डांसिंग रेजोनेंस ठीक है ये डांसिंग रेजोनेंस ये डांसिंग रेजोनेंस है पहले से स्टेबलाइज है ये इस फॉर्म में रहता ही नहीं है ये तुरंत इसमें कन्वर्ट मार सकता ठीक है तो ये केस है जहां पे थ्री मेंबर रिंग चार मेंबर में कन्वर्ट नहीं होता ये स्ट्रक्चर याद रखना है ये डांसिंग रेजोनेंस वाला है अच्छा कभी कभार रिंग कॉन्ट्रैक्शन ये लिखते से डन लिखो अगर हो जाए तो डन लिखो ये हुआ अच्छा कभी कभार दूसरी चीजें भी होती हैं वो अभी आपको दिखाते हैं सेकेंड केस इसमें होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन
रिंग कॉन्ट्रैक्शन। सर अब तो एक्सपेंशन एक्सपेंशन बता रहे थे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो अभी जस्ट केस किया है, ये देखो एक चार मेंबर रिंग है और चार मेंबर रिंग पे कार्बोकेटाइन, चार मेंबर रिंग पे कार्बोकेटाइन। अगर चार मेंबर रिंग पे कार्बोकेटाइन है, ठीक है, वन टू, हाँ आदित बताता, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इसमें चार मेंबर मोर स्टेबलाइज। बट होगा क्या इसमें, ये जो है ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। फोर और वन में था, ये फोर और टू में बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा टू, टू के ऊपर वन, ए सी एच टू प्लस। यस बात समझ में आई? ये फोर मेंबर से थ्री मेंबर क्यों गया, फोर मेंबर से थ्री मेंबर क्यों गया? फोर मेंबर से कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? जब कोई बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स हो, यहां पे क्या है, डांसिंग रेजोनेंस। क्या है यहां पे, डांसिंग रेजोनेंस। रियलिटी में ये थ्री मेंबर में रहता ही नहीं है, ये क्या हो जाता है, ये इस फॉर्म में चल जाता, ज्यादा स्टेबल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? ये कब पॉसिबल है, फोर से थ्री में पॉसिबल है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होता, फोर से थ्री में होता, जब डांसिंग रेजोनेंस वाला केस बन रहा हो। जब डांसिंग रेजोनेंस वाला केस बन रहा हो तो ये चीज पॉसिबल है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, हो गया सबका? अच्छा एक केस और बनता है, फोर से थ्री पॉसिबल है, एक केस ये भी बनता है, अगर आपके पास में कितने, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात मेंबर रिंग है, ऐसा कुछ सीन बन रहा है आपके पास में। देखिए जरा, सेवन मेंबर रिंग, ऐसा सीन बन गया। ये पॉइंट बन गया। अब इसमें इसमें क्या होगा, सेवन मेंबर रिंग है, सेवन मेंबर रिंग से भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है, थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, सेवन मेंबर से भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सिक्स मेंबर। तो ये क्या कर कन्वर्ट मार जाएगा, ये छह मेंबर तक, छह मेंबर में कन्वर्ट मार गया। ठीक है, मान लीजिए ये वन टू थ्री, ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक बॉन्ड ये छह में बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, टू ठीक है, वन और ऐसा सीन बना। समझ में आया क्या? टू को छोड़ दिया अपन ने, टू को छोड़ा तो टू पे ये चार्ज, सो ये सिक्स मेंबर मोर स्टेबल।
सिक्स मेंबर मोर स्टेबल. रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब आपका रिंग ज्यादा स्टेबल हो रहा है हायर मेंबर से लोअर मेंबर में जाने पे. ठीक, यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक एक एग्जांपल और दे देता आपको. एक एग्जांपल ये तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन का हो गया. कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन शिफ्ट होते हैं अगर स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ये देखिए 6 से 7 में भी जाता है. कब जाता? एक पर्टिकुलर रिएक्शन होने के लिए जाता. मैंने आपको ये आई होप सबने कर लिया. मोर स्टेबल है 7 मेंबर, लेस स्टेबल 6 मेंबर इज मोर स्टेबल. और 4 से 3 में क्यों गया? क्योंकि यहाँ डांसिंग रेजोनेंस हो रहा था, स्टेबिलिटी ज्यादा थी. तो इस वाले केसेस में जाता है. मेन फंडा किसका है? स्टेबिलिटी का. अच्छा, सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखो. एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये, देखिए ध्यान से देखना. 6 मेंबर है. अच्छा, यहां पे अभी तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं डाला था मैंने. मैं ये बोल रहा हूं क्या यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट पॉसिबल है आउटसाइड द रिंग? क्या यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट पॉसिबल है आउटसाइड द रिंग? यस. व्हाई? अगर मैं इसको ऐसे कर दो, थ्री मेंबर में नहीं होता एज बॉन्डिंग. अरे ये पॉसिबल है, ये आगे क्यों जाएगा? ये 3 डिग्री से 2 डिग्री में क्यों कन्वर्ट हुआ? कोई रीजन बता सकता? इसको 3 डिग्री से 2 डिग्री में जाने में क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की खाने भरी हुई है, एकदम बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन्स है. बहुत बड़े इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? ये लोन पर इधर मिलेगा. यहां एच शिफ्ट होता है. एच शिफ्ट होता है क्यों? 3 डिग्री से 2 डिग्री में क्यों? रेजोनेंस. रेजोनेंस, रेजोनेंस से फायदा. अरे 3 डिग्री क्यों एज बॉन्डिंग होने? क्या कुछ भी बोलते भाई, ये 3 मेंबर रिंग में एज बॉन्डिंग थोड़ी होता. 4-5 मेंबर तब एज बॉन्डिंग होगा. अच्छा, अब ये देखो, अब यहां से लोन पे. अच्छा, इसके पास एक हाइड्रोजन है. पहले इसके पास कितने थे? 2 हाइड्रोजन थे. 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन नीचे गया, एक हाइड्रोजन नीचे गया, ये पॉजिटिव हो गया. अच्छा, अब क्या है, ये चीज ऐसे जाके, ये कार्बन है, इस पे ये ऑक्सीजन कितों को. ये पॉइंट समझ में आ रहा? ये डायग्राम समझ में आ रहा क्या? वापस बनाओ इसको, एक सेकेंड ना, वापस बना देता अंडरस्टैंडिंग के लिए. ऐसे एटम्स करके बता देता. ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड, ये एच. अब ये OH था, ये कार्बन और ऑक्सीजन में ये लोन पेयर इसने दे दिए, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे फ्री, इसका ऑर्बिटल वेकेंट थे, इसने दिया तो डबल बॉन्ड बन गया. अब जिसने दिया उस पर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज. ये चीज समझ में आ रही? और इससे माइनस एच प्लस निकल जाता और ये फॉर्म बन जाता, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और बाहर एच प्लस आ जाता. अब ये उल्टी डायरेक्शन में क्यों गया? ये 3 डिग्री से 2 डिग्री क्योंकि रेजोनेंस बॉन्डिंग बना लिया, बॉन्ड बना लिया.
बॉन्ड बनाने के बाद में देखो अल्कोहल से ज्यादा ये वाला जो कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज मोर स्टेबल। जो भी रिएक्शनें होती हैं क्यों होती हैं, स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहती हैं, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा। सी डबल बॉन्ड ओ इज मोर स्टेबल, सी डबल बॉन्ड ओ इज मोर स्टेबल, सो इन दिस डायरेक्शन द हाइड्रोजन शिफ्ट टेक प्लेस और ये रिएक्शन से फिर H प्लस आ गया, ये मोर स्टेबल है, न्यूट्रल बन गया, मोर स्टेबिलिटी आ गई। देखो ये O था, ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा इसे ले लेगा और यहां से H प्लस बाहर निकाल देगा। सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए C double bond O is more stable. C double bond O is more stable. इसके वजह से रिएक्शन हो रही। इतना समझ में आ गया तो यस बोल दो। लॉजिक रिंग के बाहर से H प्लस लिया, 3 डिग्री से 2 डिग्री क्योंकि रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और सी और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से सी डबल बॉन्ड ओ मिल गया, ज्यादा स्टेबिलिटी, नया बॉन्ड बना, मोर स्टेबिलिटी और H प्लस को बाहर भेज दिया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। तो ये सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि यार ऐसे भी प्रोसीड हो सकती है। हो गया, डन लिख लीजिए, फिर एक करा के फिर आज का यहीं पे क्लोज करते हैं अपन। ये C डबल बॉन्ड O बनाना वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक एक ये C डबल बॉन्ड O वाले पे एग्जांपल पे बात करता हूं मैं। ये देखिए 6 मेंबर रिंग OH और ये CH2+, ये कार्बन पे एक CH2+ लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है। अब इसमें क्या करना है ये आपको समझना है, आपको पहले से थोड़ी अंदाजा सपना थोड़ी आएगा। अब 6 मेंबर रिंग है, आपने यहां से कार्बन काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर C डबल बॉन्ड O बन रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती। तो अब क्या करेंगे बेटा, अपन क्या करेंगे, एक और तीन में जनरली 6 से 7 में नहीं जाता, बट यहाँ पे 6 मेंबर से 7 मेंबर में कन्वर्ट हो रहा है जब ये OH लगा हुआ है। अब क्या होगा, एक और तीन में बॉन्ड बनेगा। सो ये जो 2 नंबर पे OH है, ठीक है, 2 नंबर पे OH है। अब 2 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है। 2 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है। 1 किससे, 3 से जुड़ा हुआ है। ये किससे, 4 से जुड़ा हुआ है। ये किससे, 5 से जुड़ा हुआ है। फिर ये 6 से, ये एक सेकेंड, ये 6, ये 7, ओ सॉरी मैंने थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, एक सेकेंड थोड़ा सा और इसको बेटर कर देता हूँ। वन से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से किस पे जुड़ा हुआ,
सेवन टू से जुड़ा हुआ, टू से कौन, सॉरी ये तो पहले ही हो गया, वन और थ्री में बॉन्ड बन गया, टू और थ्री में बॉन्ड टूट गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे, यहां पे, ये कितना सेवन मेंबर रिंग, सेवन मेंबर में सर क्यों गया, आप तो बोलते थे छह से सात में नहीं जाएगा, अब यहां पे क्या है ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ऑक्सीजन ने इसको यहाँ पे ये दे दिया, जैसे दिया ये कितना सेवन मेंबर रिंग हो गया, सेवन मेंबर रिंग, दिस इज ओ, दिस इज ओ और ये एच प्लस, सी डबल बॉन्ड ओ इज मोर स्ट्रॉन्ग, ये समझ में आया क्या, छह से आप सात मेंबर रिंग में चले गए, छह से आप सात मेंबर रिंग में चले गए, सिक्स से सेवन मेंबर में चले गए, सबको समझ में आ गया, ये दो एग्जांपल देखो, ये तो एक्सेप्शंस बताए मैंने, मेन आपको क्या याद रखना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है जब डांसिंग रेजोनेंस वाला सात से छह में जाता, पहले वाले क्या थे, ये वाले थे रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हैं वापस उनको प्रैक्टिस करिए, ये आज के दो तीन एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जहां पे आपका थ्री डिग्री टू डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है और सिक्स मेंबर रिंग सेवन मेंबर रिंग, कब, जब सी डबल बॉन्ड ओ वाला ऐसा सीन बन रहा हो, तो ओनली ये चीज है, ठीक है। सो हमने नॉर्मल आज शिफ्टिंग करी कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अल्काइल शिफ्ट होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो तो किसका ऑर्डर ज्यादा रहता, एंड मेन आज आपका रिंग रिंग का एक्सपेंशन था, ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत कम ही रहता, ज्यादा रिंग एक्सपेंशन है। अब नेक्स्ट क्लास से अपन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन करेंगे कि भाई कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होता है, नेक्स्ट जो लेक्चर्स चलेंगे अपने कार्बोकैटायन की रिएक्शन से देखेंगे कि कार्बोकैटायन में कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन कार्बोकैटायन पे और ज्यादा रिएक्शंस रिएजेंट्स सब समझेंगे और सबके रिएक्शंस के नाम होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास अपन इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जनरली वो रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा, अभी वेट करो। अब मैंने आपको जनरल एक्सपेंशंस बता दिए कि भाई आपके रिंग एक्सपेंशन वाला केस है, श्रेया अपन और रिएक्शंस जब करेंगे तब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाली चीजें रिएजेंट से समझ जाएंगे कि रिएक्शंस कौन सी होने वाली है। अभी वेट करो, जब प्रोडक्ट्स अपन डालेंगे ना रिएजेंट्स कि रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, अभी अल्केन वल्केन वो सब आएगा तब उसमें और आइडिया बैठेगा, बट स्टेबिलिटी के लिए रिंग एक्सपेंशन होता। ठीक है, सो आज का लेक्चर का जितना भी पढ़ाया गया है वापस से प्रैक्टिस करो, रिंग एक्सपेंशन हाईली इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन नॉन एक्सपेंशन कार्बोकैटायन की जब बात करेंगे तब होगा उसमें, ठीक। तो मैं मीटिंग बंद कर रहा हूं।